तो भाई ये वाली नथ और साथ में ये वाला डिजाइन भी भाई तैयार हुआ है, साथ में ये वाला डिजाइन भाई, ये वाला, ये तीनों चीजें आज अनीता ने ली हैं। तो शायद काफी ज्यादा इसका बिल बनाने वाले हैं हमारे भाई साहब। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हो गए हैं तैयार आज घर जाने के लिए। तो कहाँ जा रहे हो आज आप लोग? एक खुश है नहीं है घर जाने के लिए हैं? क्या तो भाई यहाँ पे ये तैयार होने वाले हैं और आज ये दिवाली पे जा रहे हैं घर। आयुष कहाँ, गांव जाओगे आज? कैसा लग रहा है गांव जाने जाते हुए? अच्छा अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छा है गाँव? गांव क्यों अच्छा है? हैं? ये तो बता दे भाई सबको, गांव क्यों अच्छा है बताइए। तो भाई इनके अभी पैकिंग चल रही है और अब निकलने वाले हम थोड़ा देर में यहाँ से गांव की तरफ, क्योंकि दीपावली का जो त्योहार है वो गांव में ही हम सेलिब्रेट करेंगे इस बार। और बच्चे भी काफ़ी टाइम से गाँव नहीं गए थे तो इस समय वो चाह रहे थे कि हम जाएँ गाँव। तो ये तैयारियाँ चल रही भाई इस समय, क्योंकि 2-3 दिन गाँव में रुकना पड़ेगा। आप सभी को मेरा प्यार और नमस्कार, मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों। अभी हम सभी लोग तैयार हो रहे हैं और आज हम जाएंगे गांव, क्योंकि इस बार की दिवाली हम चाह रहे हैं कि हम मनाएं गांव में और सालों की तरह। चलिए भाई आखिरकार दरवाजा भी लॉक हो चुका है और इस तरफ सामान तैयार हैं और अंजलि अर्चना और आयुष रेडी हैं घर जाने के लिए। चलिए भाई आखिरकार घर की तैयारी हो गई है, चलिए भाई गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है और अब निकल रहे हैं हम घर की तरफ। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं कणप्याक बाजार में और काफ़ी भीड़ जमा है भाई इस समय यहाँ पे। लोग आज दिवाली पे काफ़ी शॉपिंग कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ अभी सुबह के लगभग 9:30 बजे से ही दिख रही है और काफ़ी लोग शायद शहरों से गाँव की तरफ लौट रहे हैं, इसलिए सुबह से ही काफ़ी भीड़ है, काफ़ी हैवी ट्रैफिक है इस समय कणप्याक में। और दुकानें आप देख रहे होंगे, काफ़ी दुकानें आपको ये नज़ारा है भाई अभी कणप्याक बाजार का। सबका जो मेन बाजार है दोस्तों वो अभी बंद किया गया है क्योंकि उस तरफ भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे शायद दुकानें खुली होंगी कणप्याक में। और ये है भाई हमारी नारायणबगड़ की रोड, काफ़ी हैवी ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा और कणप्याक में अक्सर ट्रैफिक रहता ही है लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो भाई ये वाली नथ अब शायद अनीता को पसंद आ गई है तो आज इसे ले लेंगे हम। और साथ में ये वाला डिजाइन भी भाई तैयार हुआ है, साथ में ये वाला डिजाइन भाई, साथ में अनीता ने ये वाला पसंद किया है आज, ये वाला हार और इसके साथ में ये वाले झुमर। तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये वाला। और ये है नथ, ये तीनों चीजें आज अनीता ने ली है, तो शायद काफी ज्यादा इसका बिल बनाने वाले हैं हमारे भाई साहब। काफी लोग आए हैं भाई इस समय शॉप पे यहाँ पे, क्योंकि दिवाली का मौसम है, दिवाली का माहौल है, तो काफी खरीदारी चल रही है अभी। तो भाई अभी हमें बाजार में मिल गए हैं आंटी जी और आंटी जी बेच रही हैं अभी पाखुला। तो आंटी जी कितने दूर से आए आप? नीतिमाना से। नीति में गया था इससे पहले, नीति उसके बाद गमसाली, आपका बम्पा, फिर इधर मलारी। अच्छा तो आंटी जी के पास बहुत सारे ऊन के कपड़े हैं और रेट कितना है आंटी जी इनका? 1400-1600 अलग अलग क्वालिटी। अच्छा 1300 किसका है? तो ये भाई ये ठंडों के टाइम पे काफ़ी यूज होता है। अच्छा नहीं ले जाना है तभी तो कह रहा हूँ। तो और महंगा वो 1500 रुपए ना? ना
अच्छा और जो दूसरा बहुत बुने आप दूसरा वाला कौन सा वाला रंग नहीं पिला रहे। तो भाई इसके रेट थोड़ा सा ज़्यादा महंगे हैं, आंटी जी बता रही है कि ये बिना रंग का है और इसके रेट हैं 1600-1700 रुपये। तो चलिए भाई आखिरकार बॉडी से हमारा तय हो गया 1200 रुपये में, है ना बॉडी जी? नमस्कार नमस्कार। तो ये हमारी भाभी जी भी आज पहुंच गई भाई नारायणगढ़ बाजार में। तो भाभी जी आज कौन सी पार्टी कराएंगे हमारी जी? सही है, ठीक है भाई। अभी हमने एक LG की 11.5 लीटर की एक मशीन ले ली है वॉशिंग मशीन करके लिए, और ये दुकान ली भाई हमने नारायणगढ़ में। हमारे जो बिजी हैं तो बिजी की दुकान से सामान लिया है। भाई बताइएगा दिवाली में कोई खास ऑफर आपका? दिवाली का हमने बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है गुरजी को। गुरजी हम हमारे से ये 11.5 केजी की वॉशिंग मशीन परचेज करके ले लिए हैं, जिसमें कि 24,000 की हमने 19,800 की इनको दी है। बहुत ही 6 या शायद 5,000 के समथिंग इनको डिस्काउंट मिला है इस LG की वॉशिंग मशीन को। और सभी आपके दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। काफी भीड़ है भाई यहाँ पे अभी। और ये शॉप मैं आपको बता दूँ तो नारायणगढ़ में जो हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के सामने यहाँ पे बिजली की दुकान है, यहीं से आज हमने ये वॉशिंग मशीन परचेज की है। और ये रहा भाई बिल इसका। तो ये होगी भाई यहाँ पर आयुष अंजलि अर्चना की पटाखे फोटो भी इन्होंने ले लिए हैं दिवाली के पटाखे, और साथ में ये फोटो। और अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिठाई हम ले रहे हैं नारायणगढ़ की इस दुकान से जो प्रखाल बैंड पे है। तो अंकल जी ने भाई कुछ मिठाई यहाँ पे तूल दी। तो चलिए भाई चलते हैं अब नारायणगढ़। तो नारायणगढ़ पहुँच के हमारी जो रोड है दोस्तों वो यहाँ पे से लेफ्ट साइड लिंक होती है, जो सामने वाली रोड है ये तो सीधा थराली देवाल ग्वालदम की तरफ निकलती है। तो अभी हमें जाना है यहाँ से प्रखाल रोड पे। तो देखिए काफ़ी भीड़ है, चहल पहल काफ़ी है क्योंकि लोग आ जाए हैं बाजार खरीदारी करने के लिए। तो हमने भी काफ़ी खरीदारी कर ली है, काफ़ी महंगी शॉपिंग इस समय दिवाली में हो चुकी है, और अब टाइम है सीधे घर जाने का। तो चलिए भाई अब हमने सब्जी भी रख ली है यहाँ पे बेटेराम की दुकान से, और प्रखाल पॉइंट पे प्रखाल पुल से पहले इनकी दुकान है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियाँ ताज़ी। और काफ़ी सब्जियाँ आज यहाँ पे उपलब्ध हैं दिवाली के ऑफर में। तो दिवाली ऑफर चल रहा सब्जी पे कुछ नहीं? तो चलिए भाई चलते हैं अब सीधे घर की तरफ, और जितनी भी खरीदारी करनी थी आवश्यक जो सामान था वो अब ले लिया है, और अब बारी है घर जाने की। और ये वाला पुल है भाई जिसे आप जानते हैं हमारे पूरे असीर सिमली कई गांवों को ही जोड़ता है, और साथ में इस तरफ है भाई पिंडर नदी, और ये नज़ारा है नारायणगढ़ का। तो चलिए भाई हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, और अब चलेंगे हम सामान लेके घर की तरफ। ये देखिए अनिता के पास काफ़ी बड़ा बैग है, और आगे से हैं आयुष अंजलि और अर्चना, और चाची जी भी आ गई हैं भाई इधर। ये देखिए तो ये देखिए दादी जी से लगभग 6 महीने बाद मिल रहे हैं भाई वो, क्योंकि दादी घर में रहती है और बच्चे रहते हैं स्कूल बाहर रहते हैं। तो ये रख दिया भाई सामान। आखिरकार भाई हम पहुंच गए हैं घर में। रख रही भाई चाची जी समय खाना, और आज बना रखा उन्होंने कड़ी और कापुल बना रखा भाई यहाँ पे ना, और बच्चों को कापुल सबसे ज्यादा पसंद है। ये देखिए
दाल भात खा खा के वो परेशान हो जाते हैं, तो उनको इस समय बना रखा है यहाँ पे कापूला।